हेलो एवरीवन, आज जो मैं खास रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये पहाड़ी रेसिपी है और इसे खाने के बाद पहाड़ी लोग दिन भर इस ब्रेकफास्ट के सहारे रह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ताकत होती है। और इसमें क्या चीज़ भरी जाती है, क्या फीलिंग इसमें डाली जाती है, किस चीज़ के कारण सभी लोग को ताकत मिलता है, ये ब्रेकफास्ट इतना हेल्दी क्यों है, और इसके साथ खाई जाने वाली जो चटपटी सी चटनी है वो भी मैं शेयर करूँगी। और साथ में एक और चीज़ें मैंने रखी हैं, वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करती हूँ। अगर आज की प्यारी सी रेसिपी आपको पसंद आए और साथ में जो चटनी मैंने बनाई है वो भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए सबसे जो फर्स्ट इन्ग्रीडियंट है वो है अखरोट। इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, वो तो हम सभी को पता ही है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इतना एनर्जेटिक है तो आगे कितनी चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी, तो चलिए उसमें बने रहिएगा मेरी वीडियो में। तो मैंने क्या किया कि एक मुट्ठी मैंने अखरोट ले लिया है। आप इसे दो घंटे के लिए आराम से सोक कर सकते हैं, लेकिन मुझे बनाना है फटाफट से, तो मैंने इसमें खौलता हुआ पानी डाल दिया। अब मैं मात्र इसको 30 से 45 मिनट के लिए रखूँगी इसको सोक्ड होने के लिए। उतनी देर में ये बहुत अच्छे से सोक्ड हो जाएगी। और दूसरा इंग्रेडिएंट है, यहाँ पर मैंने लिया है लाल मिर्च। तो लाल मिर्च मेरी हल्की तीखी वाली है, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इसके बीज को नहीं यूज करूँगी, इसके बीज को मैं निकाल दूँगी, तो वो मैं अभी नहीं निकालूँगी, कहाँ निकालूँगी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। कहते हैं मिर्च का तीखापन उसके डंठल में भी होता है, तो मैंने डंठल को हटा दिया है, बीज भी मैं आगे निकालूँगी। तो चलिए अभी इसे भी मुझे सोक करना है और फटाफट से सोक करना है आधे घंटे के अंदर। तो मैंने फिर से ले लिया खौलता हुआ पानी और इस मिर्च को डाल दिया है, डालकर मैंने डिप कर दिया। अब इसे भी लगभग 30 से 45 मिनट के लिए मैं ढककर छोड़ूंगी बहुत अच्छे से। खौलते पानी में जल्दी सोख हो जाएगी, तो मैंने इसे भी कर दिया साइड। अब ले लिया मैंने आटा, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी गेहूं के आटे में, क्योंकि ये जो रेसिपी बनती है वो गेहूं के आटे से ही बनती है, इसलिए और भी हेल्दी होती है। आप इसे चावल के आटे से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको गेहूं का आटा नहीं खाना है तो आप चावल के आटे में इसे बना सकते हैं आराम से। तो क्या किया मैंने, यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। मुझे तो ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, इसके अंदर की जो फीलिंग है ना फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, उसका टेस्ट यम्मी होता है एकदम। और आटा फीका नहीं लगे तो मैंने हल्का सा नमक भी इसमें डाल दिया है। तो आटे के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेश दही। आप इसे ईस्ट डालकर भी इसको अच्छे से गूंथ सकते हैं, लेकिन मैंने ईस्ट नहीं डाला है, मैंने यहाँ पर फ्रेश दही का यूज किया है। इससे भी आटा बहुत अच्छे से फूल जाती है, बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाती है। तो मैंने फ्रेश दही लिया है 2 चम्मच के लगभग, थोड़ा सा लिया है बेकिंग सोडा जिसके कारण बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी और मुलायम आटा हो जाएगी। तो इसके बाद मैंने रेगुलर चम्मच से यहाँ पर 1 चम्मच तेल ले लिया है और अब सभी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से गूंद लेना है। हल्का सा यहाँ पर गूंदने में आप गुनगुने पानी का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना पानी ही लिया है और अच्छे से मैं इसे मिलाकर 1 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी, ताकि जो मैंने दही वगैरह डाला है, बेकिंग सोडा डाला है, इससे आटा मेरी बहुत अच्छे से फूल जाए। तो पहले मैंने क्या किया कि अच्छी तरह से इसको सूखा ही मिला लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और एक मीडियम सा डो लगाऊंगी, ना बहुत सॉफ्ट ना बहुत टाइट। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटा यहाँ पर लगा लिया है फटाफट से और आटा मेरी बनकर तैयार हो गई। अब मैं इसे ढक कर कुछ टाइम का रेस्ट देती हूँ, कितने टाइम का, लगभग 1 घंटे का। और जब तक मेरी आटा फूलती है, मैंने यहाँ पैन में डाल दिया है रेगुलर चम्मच से लगभग 4 चम्मच सफ़ेद तिल। इसे लो मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू भूनूंगी, इसमें हल्का सा सोनहापन आ जाएगा, हल्की सी खुशबू आने लगती है और इसके दाने जो हैं अच्छे से फूल जाते हैं। तो समझिए आपकी जो तिल है अच्छे से तैयार हो गई है। अगर देखने में जो तरीका मैंने होता है, अगर उस तरीका से इसको भूनिएगा तो आपकी तिल कभी नहीं जलेगी और बहुत अच्छा सा सोना सा टेस्ट आ जाएगा। तो जब इसके दाने हल्के फूल जाते हैं और जब इसमें थोड़ी सी हल्की भीनी भीनी कलर आने लगती है, भीनी भीनी खुशबू आने लगती है, तो समझिए आपकी तिल भून गई है। तो तिल थोड़ा सा चिपकती है पैन में, तो मैं इसे हिला हिला कर भून रही हूँ इस तरह से। और यहाँ देखिए मेरी तिल बहुत अच्छे से भूनकर तैयार हो गई है, तो मैंने प्लेट में निकाल लिया है। चलिए मैं इसके दाने दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, फूले फूले से ब्राउन कलर के। इस स्टेज तक भूनना है, उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद आपको क्या करना है कि लेना है मिक्सर ग्राइंडर में और इसे डाल देना है ठंडा करने के बाद। उसके बाद मैंने और भी चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं, उसे मैं इसमें ऐड करूँगी। तो आप यहाँ पर, मैंने लगभग 15 कली ली है, क्योंकि मेरी छोटी छोटी पीसेस थी इसलिए मैंने लहसुन की छोटी सी, मतलब कि 15 कली लगभग ली है। अगर बड़े दाने होंगे तो 10 काफ़ी हैं, टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैं यहाँ पर तीखा बढ़ाने के लिए, इस रेसिपी को चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च ही डाले, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है।
और यहाँ पर मैंने जो अखरोट को सोख करके रखा हुआ था, फूलने के लिए डाला हुआ था, देखिए कलर भी चेंज हो गई है, पानी कैसी हो गई। अच्छी तरह से फूल जाने के बाद पानी का कलर चेंज हो जाता है, तो आप पानी भी इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस मतलब कि बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी रखनी है, तो मैं पानी नहीं डालूंगी। मैंने सिर्फ अखरोट को निकाल कर इसमें डाल दिया है, जरूरत पड़ेगी तो एक दो चम्मच पानी डाल दूंगी इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया की थोड़ी सी पत्तियाँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। डंठल के साथ मैंने ले लिया है और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी जितनी मैंने क्वांटिटी सभी चीज़ों की ली है उसके अकॉर्डिंग मैं नमक डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी चटपटी सी यहाँ पर टेस्ट होनी चाहिए। आप यहाँ पर चाहें तो साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी जीरा भी डाल सकते हैं अगर उसका टेस्ट आपको अच्छा लगता हो तो। मुझे इतना ही का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करूंगी, पहले मैं एक बार इसे चला लेती हूँ। तो एक बार चलाने के बाद देखिए अभी ये थोड़ी सी रफ है, पूरी तरह से स्मूथ नहीं हुई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक प्याज जिसे मैंने रफली कट कर लिया है, और इन सबको अच्छी तरह से पीस कर एकदम स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है, एकदम स्मूथ सा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए बहुत प्यारी सी ये स्मूथ सी पेस्ट तैयार हो गई। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, तिल भी हर तरह से फ़ायदेमंद होता है, हेयर के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। और उसके साथ मैंने कॉम्बिनेशन दिया है अखरोट का, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, साथ में चटनी जैसा टेस्ट आ जाता है धनिया के कारण, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जैसा मैंने चाहा कि आप थोड़ा सा साबुत धनिया भी डाल सकते हैं और जीरा भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, मैंने नहीं डाला, स्किप कर दिया है। और इन सारे प्रोसेस करने के बाद मैंने ये जो लगभग 40 मिनट बाद मिर्च को लिया था, और मिर्च भी बहुत अच्छे से फूल गई है, इसकी कलर भी आप देख सकते हैं पहले से चेंज हो गई है। पानी में थोड़ा सा तीखापन है इसलिए मैं चिमटे का यूज कर रही हूँ, और इसके बीज भी फूल कर पानी के सतह पर बैठ गए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से सिर्फ मिर्च को ले लेना है, और ये चटनी इस रेसिपी के साथ बहुत ही यम लगती है। सकते हैं नीचे पानी में बीज बैठी हुई है, इसमें भी मैंने ढेर सारी लहसुन की कली ली है। हरी मिर्च और लहसुन की कली के साथ भी चटनी को बना सकते हैं, काफ़ी यम्मी लगती है। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मेरी मिर्च जो थी तीखी वाली थी। अगर आप तीखी वाली मिर्च नहीं लीजिएगा तो टमाटर नहीं भी डालिएगा, केवल लहसुन, हरी मिर्च सॉरी लाल मिर्च और नमक के साथ ही इस चटनी को तैयार कर लीजिए। साथ में थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी चीज़ों को डालने के बाद मैंने यहाँ पर इसकी प्यारी सी चटनी तैयार कर ली है, एकदम स्मूथ सी तैयार करनी है। तो मैंने एक बार मैंने चलाया है, अभी रफ है, थोड़ी सी अभी दरदरी सी है, एक बार और मैं चला लेती हूँ बिना पानी डाले। मैंने चलाया है क्योंकि मैंने टमाटर डाला था तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और यहाँ देखिए मेरी स्मूथ सी चटनी तैयार हो गई है। आप इसे नॉर्मल डे में भी किसी भी रेसिपी के साथ आप ब्रेकफास्ट में परोस सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। तीखापन बैलेंस करने के लिए टमाटर जरूर डालिए, अगर तीखी वाली मिर्च नहीं है तो बिना टमाटर के भी आप चटनी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लगभग सवा घंटे बाद मैंने इस आटे को लिया है, देखिए हल्की सी ये फूल गई है, कलर से भी आप देख सकते हैं। और मैंने जो आटा फूलने के लिए रखा था तो मैंने ऊपर की लेयर में हल्का सा तेल लगा दिया था, जो मैं बताना भूल गई थी। आटे को मिलाना है, बहुत अच्छी तरह से मिलाना है, जिसमें मैंने गूंदा था उसमें भी मैंने आटे को बहुत अच्छे से मिलाया था। इसके मिलाने से ये आटे में थोड़ी सी एक बहुत ही अच्छी सॉफ्टनेस आ जाती है, और आटे को सॉफ्ट नहीं रखना है, हल्का मीडियम सा रखना है, न सॉफ्ट न बहुत टाइट। तो आप आटे को देख सकते हैं मैंने तोड़ कर भी मिला लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से मिला लीजिएगा तो आटा की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है। अब इसके आप कितने बड़े बड़े, क्योंकि ये जो रेसिपी है वो थोड़ी सी मोटी रोटी में बनती है, लेकिन मैं मोटी रोटी नहीं बना रही क्योंकि मुझे पकाने में उसमें टाइम लगेगा। अगर आप बिल्कुल पहाड़ी जैसा बनाना चाहते हैं तो पहाड़ियों की तरह, तो उसके लिए आपको मोटी रोटी ही रखनी होगी। तो मैंने लोई ज़रूर छोटी ली है, लेकिन मैं उसकी साइज़ को छोटा रखूँगी ताकि उसकी थोड़ी सी थिकनेस रहे रोटी की, तभी इस रेसिपी को खाने में मज़ा आता है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से गोल कर लिया है सारी लोइयों को, अब मैं इसकी रोटी बनाती हूँ। तो रोटी बनाने में मैंने हल्का सा तेल लगाया है, आटे का यूज मैंने नहीं करा है, हल्का सा तेल लगा के बस इसकी रोटी तैयार कर लेनी है। अब मैंने जो फिलिंग तैयार करी थी अखरोट वाली, उसे मैंने यहाँ पर रख लिया है। आप यहाँ पर कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग इसमें रख सकते हैं, मैंने थोड़ा चटपटा बनाया है तो मीडियम सा ही रखा है। इस तरह से आधे में रखना है, आधे को मोड़ लेना है, इस तरह से थोड़ी सी उंगली से दबा लेना है, थोड़ी सी डिजाइन जैसी भी बन जाती है, और इस तरह से दबाइएगा तो डिजाइन तो बनती ही है प्लस देखने में बहुत अच्छी लगती है। अब इसको आप हल्के हल्के इस तरह से मोड़िएगा, देखिए मैं बताती हूँ किस तरह से मोड़ना है। सो जिस तरह से पहाड़ी लोग बनाते हैं बिल्कुल मैं उसी तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो जो ये बीच में आया है गैप, इसको इस तरह से मोड़ते जाना है, बस इस तरह से उठा उठा कर बस इसको ऐसे मोड़ देना है, और ये प्यारी सी बिल्कुल प्रक्रिया जैसी डिजाइन बन जा रही है। तो इस तरह से बनाना है, गेहूं के आटे की है, हल्की सॉफ्ट है तो बनाने में बहुत आसान होती है। और यहाँ देखिए पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद इससे ये खुलेगी नहीं और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो मैं दो रोटी को एक बार तैयार कर रही हूँ ताकि मैं एक बार में दो को अच्छे से पका कर निकाल सकूँ।
तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने तैयार कर लिया है, दूसरी मैं तैयार कर रही हूँ। और जब मैंने रोटी बनानी शुरू की थी, इसी बीच मैंने कढ़ाई में पानी डालकर गैस पर उबलने के लिए रख दिया था। अब मैं इस पर जाली रख देती हूँ। जाली को इस तरह से उल्टा करके रखें ताकि इस पर रखने में आसानी हो। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए, खोलने लगे, तो उसके पहले ही आपको इन रोटियों को इस तरह से बना कर रख देना है। एक बार में जितना आप रख सकते हो उतने अच्छे से रखिएगा। मेरी यहाँ पर दो रोटी आ रही थी तो मैंने दो को डाल दिया है। अब मैं इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू पकाऊंगी ताकि अंदर तक पक जाए। थोड़ी देर में ये फूलने शुरू हो जाएंगे तो इसको ढक दीजिए। इसकी दोनों मतलब रोटी की सतह बर्तन से सटनी नहीं चाहिए। हल्के टाइम में 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से पककर तैयार हो जाती है अंदर तक, क्योंकि मैंने रोटी को पतली रखी थी। अगर आप रोटी मोटी रखिएगा तो थोड़ी सी टाइमिंग लेगी, लेकिन पक कर बहुत अच्छी तैयार होती है। निकाल लीजिए और उसके बाद इसको गर्मा गर्म में कट कर लीजिए। कट करके इसको परोसिए चटपटी चटनी के साथ और थोड़ी सी इसके ऊपर घी लगा दीजिएगा। घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। प्लेट में मैंने रखा चटपटी सी चटनी, साथ में मैंने घी रखा है। इस रेसिपी में घी लगती ही लगती है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो पहले आप कटिंग कर लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर घी लगा लीजिए इस तरह से और गर्मा गर्म में परोसिए। मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया था इसलिए इसकी थोड़ी सी कलर चेंज हो गई है। आप इसे धनिया की चटनी, टोमेटो सॉस के साथ, चटपटी चटनी के साथ, लेकिन घी जरूर लगाइएगा। और ये देखिए, मैंने एक मोटी वाली रख दी थी। मोटी वाली का साइज आप देख सकते हैं, थोड़ी सी मोटी है। इसको पकने में मुझे टाइमिंग लगी थी और इसे भी मैंने कट कर लिया। अब इसे भी मैं गर्मा गर्म परोसूंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की ये प्यारी सी रेसिपी, हेल्दी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पहाड़ों की ये तो बहुत ही फेमस रेसिपी है, तो इस फेमस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए। काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी टेस्टी है और मुझे तो बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की ये प्यारी सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से बना डालिए, बहुत सारा खर्च नहीं लगेगा, बस हल्के खर्च में ही ये बनकर तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो बहुत सारे दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, बनाने के बाद मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा बना था, कैसा टेस्ट आया था। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर रोटी मोटी रखिएगा तो थोड़ी सी टाइमिंग लगेगी पकने में। थोड़ी सी पतली रोटी रखिएगा तो जल्दी पकेगी और इसे गर्मा गर्म में ही परोसिएगा घी लगाकर। तो चलिए फिर मिलती हूँ नई रेसिपीज के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी दोस्तों।